बातमी आहे शिमल्यामधील पुढील होणाऱ्या विरोधकांच्या बैठकीची. शिमल्यामध्ये 5 ते 10 जुलैला पुढील बैठक होणार आहे, तर बैठकीमध्ये जागा वाटपावर चर्चा होणार असल्याची माहिती बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दिली आहे. बिहारची राजधानी पाटण्यामध्ये आज विरोधी पक्षांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. देशभरातील 15 शक्तिशाली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची पाटण्यात बैठक पार पडली. ही बैठक सकारात्मक ठरली. सर्व पक्षांनी आगामी काळात एकत्र निवडणूक लढवण्याचं ठरवलंय. सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची ही बैठक बोलावल्याबद्दल आभार मानले. या बैठकीनंतर विरोधी पक्षांची एकत्रित पत्रकार परिषद झाली. यावेळी सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली. या बैठकीमध्ये एकत्र निवडणूक लढवण्याचं निश्चित करण्यात आलंय. तर पुढची बैठक ही शिमल्यामध्ये 5 ते 10 जुलैला असेल आणि बैठकीमध्ये जागा वाटपावर चर्चा होणार असल्याची माहिती बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दिली. लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे. मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे. अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे. एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा. कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा. तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे. सब लोग रहे और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है. और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है,